मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? बस नहीं कर सकता। यार अचानक से ऐसे क्यों मना कर रहे हो? शादी में एक हफ्ता भी बाकी नहीं है और ये क्या बोले जा रहे हो? कोई वजह तो होगी ना? वजह तुम्हारी सैलरी है। मतलब? So very many congratulations, Harshita. You are being promoted. आपकी सैलरी भी 5 गुना बढ़ा दी गई है। थैंक यू सो मच सर। यार मेरे ऑफिस वालों ने मेरी सैलरी 5 गुना कर दी है। अब मेरी मंथली सैलरी 2 लाख रुपए है। बढ़िया। तुम्हारी सैलरी ना अब मुझसे कई गुना ज्यादा हो चुकी है। तो ये कि जिस औरत की सैलरी उसके हस्बैंड से ज्यादा हो जाती है ना, वो कभी भी अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं करती। फिर ऐसा किसने बोला है? ऐसा ही होता है। जब औरतें मर्द से ज्यादा कमाने लग जाती है ना, तब उन्हें ये लगता है कि ये जो हमारे साथ मर्द है ना, ये अब हमारी बराबरी का नहीं रहा। फिर उन्हें कोई चाहिए होता है उनसे ज्यादा सैलरी वाला। यार तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ तुम अभी तो ये सब बोल रही हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में भी ये बातें आनी शुरू हो जाएगी। फिर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, जो कि मैं नहीं चाहता, इसलिए तुम अभी शादी तोड़ो। यार तुम्हारे माइंड में ये क्या फालतू के थॉट्स बन गए हैं? यार फालतू नहीं है। तुम्हें वो वाला कपल याद है जिसमें एक गरीब हस्बैंड ने अपनी वाइफ को दिन रात एक करके पैसे जोड़कर पढ़ाया और फिर ऑफिसर बनाया? हाँ याद है। हाँ तो फिर उसमें बाद में क्या हुआ? उस वाइफ को अपना गरीब हस्बैंड चुगने लगा। उसने अपनी बराबरी वाला कोई ढूंढा, उसे शादी करी और गरीब पति को छोड़ दिया। यार तुम कहाँ की बात कहाँ जोड़े जा रहे हो? अच्छा तुम मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। हेलो हेलो गोपाल, तूने शादी के लिए मना कर दिया? हाँ पर क्यों? पापा आप नहीं समझोगे। अरे मैं सब समझता हूँ, मुझे हर्षिता ने सब बता दिया है। अरे ये कोई रीजन होता है शादी के लिए मना करने का? अरे पापा सब लड़कियां एक जैसी होती है, अपने से कम सैलरी वाले लड़कों के साथ जी नहीं सकती। पर आपको तो पता ही है मेरी सैलरी। अरे पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, अपने आप से ही तूने सब चीज सोच ली। अरे ऐसा थोड़ी होता है। अरे बेटा शादी तो विश्वास पर भरोसे पर चलती है, अभी से तेरा ये हाल है आगे चल के क्या होगा? अरे बेटा तेरी ये जो इनसिक्योरिटी है ना, तेरे हर रिश्ते को खराब कर देगी ये। पर पापा पर और कुछ नहीं, हर इंसान में कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ खूबियां भी होती हैं, और ये तो हर्षिता का टैलेंट है ना, जो तुझसे 5 गुना ज्यादा कमा रही है। और इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुझसे प्यार नहीं करती है। अरे वो तुझसे प्यार करती है, तभी तो उसने मुझे फोन किया कि जाके तुझे समझाओ। अब ऐसा कर, ये सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल और हर्षिता से जाके बात कर और उससे माफी मांग। ठीक है पापा आप सही बोल रहे हो, मैं जाता हूँ उसके पास अभी। यार आई प्रॉमिस, मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तुम प्लीज मुझे ट्रस्ट करो, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगी? चुप हो जाओ। आई ट्रस्ट यू। मैं ना तुमसे यहाँ पर माफी मांगने आया हूँ कि मैं ना फालतू में गलत सोच रहा था, मैं ना तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुमने मुझे सच में बहुत डरा दिया था। अरे अरे आज बिल्कुल।